सो हे गाइस, तो भाई कैसे हो? आई होप सो यार आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आज की ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलएस पोस्ट जो फ्रेमवेयर था जी, उसी का एक मॉडल है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर वही मॉडल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और इसको कैसे यूज करना है पूरा वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को विदाउट स्किप देख लेना। तो काफी सारे बंदे सोच रहे होंगे भाई आखिर इस मॉडल के साथ जो होगा क्या डिवाइस के अंदर, क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो पूरी बात बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ठीक है बता देता हूँ, क्योंकि बाकी को जितना भी है मैं उसके अंदर जो जो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई इसके इसके अंदर ये जो फीचर है। तो फिलहाल ये जो आपके डिवाइस के अंदर स्पूफिंग करता है, तो काफ़ी सारे बंदों को पता होगा स्पूफिंग क्या होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ जहाँ पे आप बोल सकते हो अदल बदल कर लेते हो थोड़ा सा, और उस चीज़ को नहीं पता चलता कि भाई वो चीज़ रियलिटी में वैसी है या नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम जैसे मॉडल चेंज करते हैं डिवाइस का, तो आपको गेम के अंदर 90 FPS देखने को मिलती है। तो ऐसे ही आप अपने डिवाइस के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ों की स्पूफिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसकी आईडी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप कौन सा सिम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो उसके भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि भाई इसको यूज़ करने के बाद आप पूरी तरह से एनोनमस हो जाते हो, ठीक है। यानी कि अननोन पर्सन हो जाते हो, आप कोई ट्रैक नहीं कर पाते कि भाई कौन पर्सन है, कौन ये एप्लीकेशन चला रहा है, कौन इसको यूज़ कर रहा है। तो पूरी बात भाई बाकी आपको वहीं पे बताऊंगा किस किस चीज़ को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, किस किस चीज़ की जो यहाँ पे हम स्पूफिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो भाई आप जो है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके उसके अंदर स्पूफिंग भी इसके थ्रू कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, तो भाई जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग नए हो भाई चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई चलो अभी चलते हैं जल्दी से फोन स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो भाई आप लोगों को करना है क्या, सबसे पहले आपको जो एलएस पोस्ट फ्रेमवेयर जो था मैंने इंस्टॉल करवाया था, आपको वो इंस्टॉल कर लेना है अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये रहा भाई एलएस पोस्ट फ्रेमवेयर जो है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पर वीडियो जाके देख लेना, तो भाई आप इजिली इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो इसके साथ पूरा डिटेल के साथ वीडियो डाला है, ठीक है। उसके बाद देख लेना भाई आपका अगर सेफ्टी नेट किसी को इशू आता है तो वो भी पूरा फिक्स करवाया हुआ है, ठीक है। सेफ्टी नेट वाला वीडियो देख लेना जो इसके बाद डाला हुआ है न्यू वाला, ठीक है। तो वो देख लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दूंगा। अगर आपका सेफ्टी नेट डिसेबल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, तो आप पास कैसे करना है मैंने उसका वीडियो प्रॉपरली डाला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके वीडियो देख के उसको भी भाई अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं है फिलहाल, वो मॉडल ही है इसका, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो सीधा कमेंट बॉक्स में जाओगे वहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला है, ठीक है। तो इसको आपको पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पूफिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैसे करना है वो सबसे बाद में बताता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंस्टॉल करने के बाद इसको करना क्या है। आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर ओपन हो भी जाता है बाई चांस तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई आपने जो है इसको एनेबल नहीं किया हुआ, यानी कि एक्टिवेट नहीं किया हुआ, ठीक है, फ्रेमवेयर को, यानी कि एक्सपोर्ट को जो है एक्टिवेट नहीं किया मॉडल को, ठीक है। तो एक्टिवेट कैसे करना है वो देख लो पहले यहाँ पे। तो आपको करना क्या, आपको जाना है एलएस पोस्ट जो फ्रेमवेयर है आपको उसके अंदर जाना है, ठीक है, जे वाले के अंदर, ठीक है। उस मॉडल को इंस्टॉल करने के बाद जैसे इसको ओपन करोगे, यहाँ पे नीचे मॉडल वाला आइकन दिख रहा है ना आपको, मॉडल्स वाला, तो इसके ऊपर टैप करना है। जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, आपका यहाँ पे ये, ठीक है, थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा होगा क्योंकि एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिवेट है। तो इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपका ये डिसेबल होगा जहाँ से, ठीक है, ओके, आपका एक जहाँ पे टिक नहीं लगा होगा और दूसरा यहाँ से डिसेबल होगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिस्टम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको अनेबल कर देना है, यानी इसके ऊपर टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे इसके ऊपर टिक लगाते हो ना नीचे पॉपअप आता है फ़ोन को रीबूट करने का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टिक लगाते हो तो उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। जैसे अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हो उसके बाद सिंपल भाई अब चाहो तो वो जो एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जिस भी चीज़ का स्पूफिंग करना चाहते हो, IME नंबर का करना चाहते हो या एंड्रॉयड आईडी का करना चाहते हो, गूगल सर्विस जो फ्रेमवेयर होता है उसका करना चाहते हो, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लूटूथ का है, वाईफाई का है, ठीक है, मोबाइल नंबर का है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे स्पूफिंग देखने को मिलता है, ईमेल तक का देखने को मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो करना कैसे होता है, ठीक है, बाई चांस जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे IME नंबर जो होते हैं वो हाइड करना चाहता हूँ, इसको अनेबल करना है। देन नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है ना रैंडम वाली, ठीक है,
इसके ऊपर एक बार टैप कर देना, एक ही बार करना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। बार बार करोगे जो क्या होगा, आईएमई नंबर जो होगा चेंज हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। जैसे जितनी बार मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ, जो नंबर जो है रैंडमली यहाँ पे आईएमई नंबर शो कर रहा है चेंज करने के, सिर्फ बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है एक ही बार कर सकते हो यहीं से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जिस जिस चीज़ का आप चाहते हो स्पूफिंग करना आपको उस, ठीक है, पहले इनेबल करना है, उसके बाद इनको करना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद चेंज करना है, ठीक है। तो जिस जिस चीज़ का स्पूफिंग करना चाहते हो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे लास्ट पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ईमेल पे, तो ऐसे आप ईमेल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो और भी सारी बहुत सारी चीज़ें, सिम ऑपरेटर करना चाहते हैं वो भी यहीं से कर सकते हैं, ऑन किया और भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई जियो की सिम को क्या कौन सा बता रहा है, कौन सी वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं, सिंपल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अगर मोबाइल नंबर आपका शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी फेक नंबर शो कर रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कौन से एप्लीकेशन के अंदर चाहते हो कि इसको स्पूफिंग, यानी कि उसके अंदर जो फेक इन्फॉर्मेशन जाए, ठीक है। कोई भी अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐप है, अगर वो आपको लगता है कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, बेसिकली सभी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपकी, ठीक है। तो आपको चाहते हो कि भाई कोई आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो सामने वाले को नहीं पता चल सके कि भाई कौन सा डिवाइस है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो आईएमई नंबर है और कौन से सिम कार्ड, कौन सी कंपनी का है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐप के ऑप्शन के अंदर जाना है, ऊपर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जैसे उसके ऊपर टाइप करोगे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपके डिवाइस के अंदर जो भी इंस्टॉल है सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे होंगे, तो उसको कैसे शो करना है, ऊपर राइट साइड पे आपको, ठीक है, यहाँ पे तीन डॉट दिखाई दे रही है, उनके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी शो सिस्टम ऐप्स, सिंपल उसके ऊपर टैप करोगे तो क्या होगा, आपके जो ऐसे लोडिंग होगा उसके बाद जो अपना सिस्टम वाले एप्लीकेशन जितने भी आपके डिवाइस के अंदर सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे, ऐसे सिस्टम वाले भी और दूसरे भी जो एप्लीकेशन सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिलती है ये वाली, इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है पेज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, आपको बता देता है कि भाई कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है, सभी ऐप जितने भी ऐप होते हैं सभी की लिस्ट आ जाती है यहाँ से, ठीक है। तो अब जिसको सिलेक्ट करना है, जिसको स्पूफिंग करना चाहते हो, उसके ऊपर ऐसे टिक लगा देना है, ठीक है, ऐसे टिक लगाओगे, उसके बाद उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उसके ऊपर स्पूफिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। बाई चांस अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो उसको, इसको अप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। एक बार रिस्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है स्पूफिंग जो है एक्टिवेट हो जाएगी आपके डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आप इसके थ्रू जो है स्पूफिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी सा मेथड है, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको एल एस पोस्ट जो फ्रेमवेयर है ये इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मॉडल जो है इसके थ्रू ही काम करता है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो एल एस पोस्ट इंस्टॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस एमुलेटर वाला जो है, ठीक है, प्रो वाला वर्जन है ये, तो वो यूज़ करना है, ठीक है। बाकी अगर आप इनमें से दोनों में से कोई मॉडल यूज़ करना चाहते हो तो इसकी वीडियो तो सेकंड वाले की ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, नीचे लास्ट वाले की नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे तो उसकी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो नहीं बोलोगे तो नहीं डालेंगे भाई, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था। तो अगर आप भी ऐसा लुक करना चाहते हो डिवाइस का, जैसे कि आपने यहाँ पे इंटरफेस देखा है, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी अभी लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो भाई वहाँ पे लिखा होगा वाइट ब्लैक यूआई, ठीक है, तो उसके नीचे लिंक होगा वीडियो का, उसको देख के आप भी ऐसा इंटरफेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम आए हो भाई चैनल को, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।